चैप्टर 9 के लास्ट वीडियो में जो टॉपिक हमने कवर किया बेटा, वो हम लोगों ने देखा कि एंजाइम जो होते हैं उनकी संरचना कैसी होती है, राइट। उसके बेसिक्स हम लोगों ने कुछ देखे थे। उसके बाद हम लोग आज देखेंगे एंजाइम की क्रिया विधि। उसमें दो थ्योरीज हैं जो आपके लिए इंपॉर्टेंट है, ठीक है। तो एंजाइम की क्रिया विधि जो होती है, यानी एंजाइम काम कैसे करता है, ये डिपेंड करता है किसके ऊपर, क्रियाधार के ऊपर। अब क्रियाधार होता है, वो बताया था मैंने क्या चीज होती है, कि क्रियाधार वे पदार्थ होते हैं जिन पर एंजाइम क्या करेगा, क्रिया करेगा, ठीक है। और इन्हें किन में बदलेगा, उत्पाद में बदलेगा। समझ में आ गया। यानी क्रियाधार वे पदार्थ है जिन पे एंजाइम अपनी क्रिया करता है और फलस्वरूप क्या बनते हैं, उत्पाद बनते हैं, ठीक है। फिर आता है सक्रिय स्थल, दूसरा इंपॉर्टेंट टर्म। सक्रिय स्थल क्या होती है, तो एंजाइम जो होता है उसका, आपको पता है कि होलोजेन जो होता है, एंजाइम जो होता है होलोजेन एंजाइम, जिसमें प्रोटीन हिस्सा होता है और नॉन प्रोटीनस भाग होता है, उसमें एक विशेष स्थल होता है जिसे सक्रिय स्थल कहते हैं, और उसी पे जाकर आकर क्या होते हैं, क्रियाधार जुड़ते हैं। अरे बात समझ में, तो ये टर्मिनोलॉजी में कंफ्यूज मत होना। तो क्रियाधार एंजाइम के कौन से हिस्से में आकर जुड़ेंगे, सक्रिय स्थल पर आकर जुड़ेंगे। तो एक जो एंजाइम होता है उसमें कई सक्रिय स्थल हो सकते हैं। तो ये आपके बेसिक जो डेफिनेशंस थी वो हो गई। अब आती है बात एंजाइम की क्रियाविधि। तो एंजाइम की क्रियाविधि किसके ऊपर डिपेंड करती है, क्रियाधार की प्रकृति पे, मतलब किस प्रकार का क्रियाधार उससे आकर क्या हो रहा है, एंजाइम से जुड़ रहा है, उसके आधार पर वो अपनी एक्टिविटी क्या करता है, प्रदर्शित करता है। उसके बाद है एंजाइम की क्रियाविधि के दो चरण होते हैं। पहला है एंजाइम क्रियाधार संकुल का निर्माण होना, ठीक है। एंजाइम क्रियाधार यानी एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स, ठीक है। तो क्या होगी, शॉर्ट फॉर्म ESC, है ना। तो एंजाइम सबस्ट्रेट कॉम्प्लेक्स का निर्माण, और दूसरा चरण है इसका सक्रिय ऊर्जा में कमी। तो ये दो चरण होते हैं किसके, एंजाइम की क्रियाविधि के। तो सबसे पहले हम लोग समझेंगे कि ये क्या है, एंजाइम क्रियाधार संकुल क्या है। संकुल क्या होता है बेटा, कॉम्प्लेक्स बन जाना, मतलब ये जैसे कि कोई एंजाइम है, ठीक है, इससे क्या आकर जुड़ा, क्रियाधार आकर जुड़ा। ये क्रियाधार है और ये क्या है, एंजाइम। तो ये एंजाइम और क्रियाधार आपस में जुड़ते हैं, इनके जुड़ने से जो संरचना बनी उसे क्या बोल रहे हैं हम, एंजाइम क्रियाधार संकुल। ये क्या हो गया, ES कॉम्प्लेक्स, एंजाइम क्रियाधार संकुल, ठीक है। फिर उसके बाद ये संकुल जब टूटता है तो फलस्वरूप क्या बनता है, उत्पाद बनता है, और क्या बनता है, एंजाइम बनता है। आगे बात समझ में, इसके अंदर क्या लिखना है आपको, एंजाइम क्रियाधार संकुल निर्माण में, कि एंजाइम जो है उसके सक्रिय स्थल से, ठीक है, उसके सक्रिय स्थल से कौन आकर जुड़ेगा, क्रियाधार जुड़ेगा। इनके जुड़ने से क्या बनता है, जो है क्रियाधार एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है, और ये संकुल जब टूटता है तो इसके टूटने से क्या बनता है, उत्पाद बनता है एंड एंजाइम बनता है। आगे बात समझ में। अब एंजाइम क्रियाधार संकुल के निर्माण से रिलेटेड दो थ्योरीज दी गई है। पहली है जो है ताला चाबी जो या है ना की लोक थ्योरी, ठीक है, और दूसरी है प्रेरित आसंजन सिद्धांत। आगे बात समझ में, ये दो आपके थ्योरीज हैं। पहली कौन सी है, ताला चाबी सिद्धांत, की एन लोक जो है एमिल फिशर के द्वारा दी गई थी, तो ये हम लोग देखेंगे, ठीक है। और ये पहला चरण था, और दूसरा क्या है, सक्रिय ऊर्जा में कमी, तो इसको हम बाद में देखेंगे ना। तो सबसे पहले हम लोग समझते हैं एंजाइम क्रियाधार संकुल से रिलेटेड ये दोनों जो सिद्धांत दिए हुए हैं, कि कैसे जो एंजाइम के साथ क्रियाधार जुड़ते हैं, ये दोनों थ्योरीज किस बारे में बताते हैं, कि कैसे जो एंजाइम होते हैं उनसे जो क्रियाधार है वो जुड़ते कैसे हैं, तो उसके बारे में ये क्या है, थ्योरीज है। तो वन बाय वन हम दोनों को क्या करते हैं, देख लेते हैं। देखो बेटा, अब हम लोग देखेंगे कि एंजाइम क्रियाधार संकुल बनता है, यानी ESC बनता है, ठीक है। तो इससे रिलेटेड जो थ्योरीज दी गई थी दो, वो कौन कौन सी थी, तो पहली थी ताला कुंजी सिद्धांत। ताला कुंजी सिद्धांत में क्या होता है, कि एक पर्टिकुलर ताले को उसी की चाबी लगाने पर वो ताला क्या करता है, खुलता है ना। तो सेम ये चीज कहा जा रहा है कि ये जो एंजाइम होता है उसके जो सक्रिय स्थल होते हैं वो कैसे होते हैं, ताले के समान होते हैं, मतलब यहाँ पर विशेष एक पैटर्न होता है ना। इस पैटर्न में फिट होने वाला अगर कारक जो आएगा, यानी क्रियाधार आएगा,
ठीक है, अभिकारक आकर जुड़ेगा तभी जाकर क्या होगा, ये संकुल बनेगा, और फिर इस संकुल के टूटने से क्या बनेगा, उत्पाद बनेगा, और फिर एंजाइम जो है वो क्या हो जाएगा, फिर से अलग हो जाएगा। आ रही बात समझ में? तो यहाँ पर जो इसके सक्रिय स्थल होते हैं ना, इसका पैटर्न क्या होता है, फिक्स होता है। ठीक है, अगर इसमें फिट होने वाला, जैसे ताला होता है, ताले का एक पर्टिकुलर पैटर्न अगर आप लोगों ने देखा हो उसके मुंह पे, इस तरीके से एक जो जहां पर चाबी लगती है वहां पर नीचे की ओर एक पर्टिकुलर पैटर्न होता है, तो उस पैटर्न में फिट होता है तभी जो चाबी है वो उस ताले को क्या कर पाती है, खोल पाती है ना। तो सेम वही है कि एंजाइम के सक्रिय स्थल से आकर जुड़ता है क्रियाधार, तो क्रियाधार जो है उसका जो उसकी जो संरचना होगी है ना, उसकी अगर संरचना जो है वो इस तरीके से हो कि इसके एंजाइम के सक्रिय स्थल में क्या हो सके, वो फिट बैठ सके, तभी जाकर क्या होता है, ईएस जो कॉम्प्लेक्स होता है यानी एंजाइम क्रियाधार संकुल है वो बनता है, फिर ये टूटता है, और टूटने से फिर क्या होगा, उत्पाद को क्या बनेंगे, एंजाइम बनेंगे। तो ये जो है वो सिद्धांत था, कौन सा, तालाकुजी सिद्धांत, जो किसने दिया, एमिल फिशर के द्वारा दिया गया। फिर दूसरा है प्रेरित आसंजन सिद्धांत, या इसको बोलते हैं अनुरूप प्रेरण, अनुरूप प्रेरण सिद्धांत। ठीक है, कोसलैंड के द्वारा 1966 के अंदर इसको क्या किया गया था, दिया गया था। तो देखो ये सिद्धांत क्या कहता है, ये सिद्धांत ये कहता है, देखो इसके मेन इंपॉर्टेंट पॉइंट्स मैंने यहाँ लिख दिए हैं कि सक्रिय स्थल दृढ़ नहीं होते। अभी तालाकुंजी में तो क्या बोला था कि पैटर्न जो होता है एंजाइम के सक्रिय स्थल का पैटर्न क्या होता है, फिक्स होता है, लेकिन ये थ्योरी क्या कहती है कि इसका जो सक्रिय स्थल है वो दृढ़ नहीं होता, यानी इसका जो पैटर्न है वो फिक्स नहीं होता, लचीलापन होता है। मतलब इसके अंदर ये होता है कि एंजाइम के सक्रिय स्थल जो होते हैं वो उनकी शेप कोई फिक्स नहीं होती, यानी इनमें लचीलापन होता है। ठीक है, ये अपनी शेप क्या कर सकते हैं, ये अपनी ज्योमेट्री या ज्यामिति क्या कर सकते हैं, चेंज कर सकते हैं। क्या होता है कि एंजाइम के पास जैसे ही क्रिया कारक आया, मान लो ये क्रिया कारक, ये इसका सक्रिय स्थल ऐसा था है ना, लेकिन इसमें इस प्रकार का कोई क्या आ गया है, क्रिया कारक आ गया है इस पैटर्न का। ठीक है, तो ये क्या करेगा, ये क्रियाधार आ गया ऐसा शंकु रूपी, तो ये सक्रिय एंजाइम का जो सक्रिय स्थल है वो अपनी शेप को, जैसे ही ये क्रियाधार इसके संपर्क में आया, ये अपनी शेप क्या कर लेगा, ऐसी बना लेगा, ताकि ये क्रियाधार इसमें क्या हो सके, फिट हो सके। तो कहने का मतलब है कि प्रेरित आसंजन सिद्धांत में जो सक्रिय स्थल होते हैं उसकी शेप जो होती है वो फिक्स नहीं होती है ना। जो क्रियाधार आता है वो एंजाइम के सक्रिय स्थल के जैसे ही संपर्क में आता है, तो ये सक्रिय स्थल अपनी क्या कर लेता है, शेप को किसके अकॉर्डिंग बना लेता है, क्रियाधार के अनुरूप बना लेता है। ठीक है, और क्या बन जाता है, शेप वैसी बनने के बाद यहाँ पर ये संकुल बन जाता है। संकुल जब टूटा, टूटा तो क्या बना, उत्पाद बना, और फिर ये एंजाइम वापस क्या हो गया, मुक्त हो गया किसी अन्य क्रियाधार को जोड़ने के लिए। तो ये थ्योरी किसकी थी, ये थी प्रेरित आसंजन सिद्धांत कोसलेन की। अब इनके अनुसार इन्होंने आगे एक और चीज बोली कि ये जो हमारे सक्रिय स्थल होते हैं ना, इन सक्रिय स्थल जो है उनके अंदर दो समूह पाए जाते हैं अकॉर्डिंग टू कोसलेन, इस प्रेरित आसंजन सिद्धांत में, कि ये जो सक्रिय स्थल होते हैं इन सक्रिय स्थल में क्या पाए जाते हैं, ये जो सक्रिय स्थल है, सक्रिय स्थल में दो क्षेत्र पाए जाते हैं। ठीक है, दो क्षेत्र पाए जाते हैं या दो समूह पाए जाते हैं जिन्हें हम बोलेंगे, एक तो होता है अवलंब समूह। ठीक है, अवलंब समूह या इसे अवलंब समूह या बटरेसिंग जोन बोला जाता है, बटरेसिंग जोन। ठीक है, समझ आया? फिर दूसरा आता है आपके उत्प्रेरक समूह, उत्प्रेरक समूह। अब आता है, सबसे पहले बात करते हैं अवलंब समूह। अवलंब मतलब सहारा देना, यह क्रिया कारक को सक्रिय स्थल पर स्थिर रहने का स्थिर रखने का कार्य करती है। जैसे कि मान लो सपोज ये इस तरीके से, यहाँ पर ये सक्रिय स्थल है हमारा ए बी सी डी ई एफ जी एच। ठीक है, तो ये स्थल होता है अवलंब या बटरेसिंग जोन। इस समूह का, ये समूह का काम क्या है,
क्रियाधार को एंजाइम से, एंजाइम जो है ना, उसके सक्रिय स्थल पर जुड़ने में मदद करता है। आगे बात समझ में, ये क्या करेगा, जैसे कोई क्रियाधार है और ये क्रियाधार है आके किस में जुड़ रहा है, इस सक्रिय स्थल में, तो इसको इसके अंदर फिट बैठने में ये एरिया क्या करेगा, मदद करेगा। फिर है दूसरी, उत्प्रेरक समूह या क्रियाकारक को उत्पाद में बदलने में क्या करते हैं, मदद करते हैं। क्या करेंगे, जैसे ये इस शेप का अभी कोई उत्पाद आया है, सॉरी क्रियाधार आया है ना इस शेप का, तो अब क्या होगा, ये जो एंजाइम है ये अपनी शेप कैसे कर लेगा बेटा, ऐसी कर लेगा, ताकि ये अभी जो क्रियाकारक है वो इसमें फिट हो सके। ठीक है, तो अब यहाँ पर आती है उत्प्रेरक समूह। तो उत्प्रेरक समूह जो होता है यहाँ इस तरह से पाया जाता है, ये आ गया हमारा उत्प्रेरक समूह। ठीक है, तो ये क्रिया सक्रिय स्थल ने अपनी शेप चेंज कर ली, ए बी सी डी ई एफ जी, है ना। और यहाँ पर ये जैसे ही उत्प्रेरक समूह किसके संपर्क में आया, उत्प्रेरक समूह संपर्क में आया किसके, क्रियाकारक के, ये रहा क्रियाकारक, है ना। तो ये उत्प्रेरक समूह जो है क्रियाकारक के संपर्क में आया, तो इस क्रियाकारक को इसने किसने में बदल दिया, उत्पाद में बदल दिया। तो उत्प्रेरक समूह का काम होता है क्रियाकारक को उत्पाद में बदलना। ठीक है, तो ये यहाँ पर है हमारा जो है उत्प्रेरक समूह। उत्प्रेरक समूह जैसे ये यूं हुआ तो इसके संपर्क में आया, इसको उत्पाद में चेंज कर दिया। और दूसरा होता है अवलंब समूह, ये मदद करता है किसमें, इसको सहारा देने में, जुड़ने में मदद करता है। तो ये तो हो गया हमारा क्या, कोई भी एंजाइम जो क्रियाविधि करता है उसका जो पहला चरण होता है वो कंप्लीट होता है। उसके बाद आपके नेक्स्ट जो इसका चरण आता है वो है सक्रिय ऊर्जा में कमी, इसको हम लोग देख लेते हैं। एंजाइम अभिक्रिया का बेटा दूसरा चरण है हमारे पास सक्रिय ऊर्जा में कमी, है ना। तो देखो क्या होता है, सबसे पहले समझेंगे सक्रिय ऊर्जा क्या होती है। जैसे ये कोई क्रियाधार है, अब ये क्या करेगा, इसमें चेंज होना है इसको उत्पाद में। ठीक है, तो इस क्रियाधार को क्या करना है कि क्रियाधार के अणुओं को किसी क्रिया में भाग लेने के लिए क्या चाहिए होती है, एक ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, तो न्यूनतम ऊर्जा जो किसी भी क्रियाधार को किसी भी क्रिया में भाग लेने के लिए क्या है, चाहिए होती है, उस ऊर्जा को क्या कहते हैं हम, सक्रियण ऊर्जा कहते हैं। तो क्रियाधार के अणुओं में वो न्यूनतम ऊर्जा का वह मान जो क्या करता है, क्रियाधार के अणुओं को क्रिया में भाग लेने के लिए क्या है, सक्रिय करता है, उनको एक्टिव बनाता है। ठीक है, तो उस मान को हम क्या कहेंगे, सक्रियण ऊर्जा कहेंगे। जैसे कि ये क्रियाधार है, ठीक है, ये क्रियाधार है, अब ये किसी भी क्रिया में भाग लेगा, है ना, क्रिया में भाग लेना है इसको। ठीक है, तो इस क्रिया में भाग लेने के लिए इसको क्या करना पड़ेगा, इसके अंदर कुछ ऊर्जा चाहिए होती है ना, ऊर्जा चाहिए होती है। ठीक है, तो ये ऊर्जा का जो न्यूनतम मान है उस मान को ही हम क्या कहते हैं, सक्रियण ऊर्जा। अब एंजाइम के क्या करता है, एंजाइम इस सक्रियण ऊर्जा के मान को क्या कर देता है, कम कर देता है। जैसे इधर मैंने एनर्जी बता रखी नो एंजाइम की कंडीशन में है, कि ये जो क्रियाधार है ये किसमें चेंज हो रहा है, उत्पाद में चेंज हो रहा है, तो ये है ट्रांजिशन स्टेट। ठीक है, यानी ये अवस्था है, इस अवस्था में यहाँ पर इतनी एनर्जी मिलने पर, ठीक है, यहाँ से ये किसमें चेंज हुआ, ये तो है क्रियाधार। ठीक है, अब ये क्रियाधार को हम क्या दे रहे हैं, एनर्जी दे रहे हैं, ये एनर्जी हमने इतनी बढ़ाई इतनी बढ़ाई इतनी बढ़ाई, मैक्सिमम एनर्जी आ गई, तब जाकर ये किसमें चेंज हुआ, उत्पाद में। ठीक है, तो ये सक्रियण ऊर्जा हम क्या कर रहे हैं, ग्राफ के अंदर फ्लोट कर रहे हैं, ये कौन सी कंडीशन में, नो एंजाइम कंडीशन में। लेकिन अगर हमने क्या कर दिया, इसको एंजाइम दे दिया, है ना, इस क्रियाधार के साथ किसको क्रियाधार के साथ किसको जोड़ा, एंजाइम को जोड़ा, एंजाइम हमने उस अभिक्रिया के अंदर क्या कर दिया, डाल दिया, तो ये जो एनर्जी चाहिए थी ना, इस एनर्जी का मान घट जाएगा। मतलब ये यहाँ पर हमारे पास है क्रियाधार, है ना, ये क्रियाधार है, अब यहाँ ये ट्रांजिशन स्टेट आई,
एंजाइम की उपस्थिति में ये सक्रियन ऊर्जा जो है वो हमको अब कम चाहिए, पहले कितनी चाहिए थी, इतनी चाहिए थी, लेकिन अभी ये सक्रियन ऊर्जा क्या चाहिएगी, हमें कम चाहिएगी, और ये जल्दी से किस में चेंज हो जाएगा, उत्पाद में चेंज हो जाएगा। आगे बात समझ में? तो यहाँ पर कहने का मतलब है कि क्रियाधार को उत्पाद में चेंज होने के लिए, है ना, इस क्रिया में भाग लेने के लिए, है ना, जितनी एनर्जी उसको चाहिए, उस एनर्जी का मान कौन घटा देता है, एंजाइम उस मान को क्या कर देता है, घटा देता है। अगर आप अपनी बुक का जो है ग्राफ फ्लोटिंग का देखते हो बेटा, तो इस दोनों ही डायग्राम को साथ में दिखाया हुआ है ऐसे करके, है ना, ये है इसमें जो देखते हो अगर आप, तो जो एंजाइम के बिना है उसकी जो ऊर्जा है उसका मान ज्यादा है, और एंजाइम की उपस्थिति में है उसका मान ऐसे कम कर रखा है ना। तो ये जो दिखा रहा है ये एंजाइम की उपस्थिति को दिखा रही है लाइन, और ये एंजाइम की एब्सेंस को दिखा रही है। समझ में आ गया? तो ये सक्रियण ऊर्जा जो है वो ज्यादा चाहिए होती है जब एंजाइम नहीं होता, लेकिन एंजाइम की उपस्थिति में क्या होता है, जो सक्रिय ऊर्जा है वो कम चाहिए होती है। समझ आ गया? तो ये आपके हो गए एंजाइम की जो एक्टिविटी है, यानी एंजाइम की क्रिया विधि का जो चरण है वो कंप्लीट होते हैं।